आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसे कि बीम, कॉलम या स्लेब में सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई एक स्लेब है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, विड्थ है 6 मीटर और थिकनेस है 150 mm यानी कि 0.15 मीटर और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M20। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस स्लेब में कितने बैग सीमेंट लगेगी, कितनी सैंड लगेगी और कितना एग्रीगेट यानी कि कोर्स एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ स्लेब निकालना है। स्लेब की जगह पर कोई भी बीम या कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपली उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्लेब है तो इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लेब मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ स्लेब मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ स्लेब। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। लेंथ है 9 मीटर, विड्थ है 6 मीटर और थिकनेस है 0.15 मीटर। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ स्लेब आएगा 8.1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आया है वो है हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ स्लेब, यानी कि स्लेब में 8.1 क्यूबिक मीटर वेट कॉन्क्रीट लगेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट होता है वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.54। यहाँ पर 1.54 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लेब हो जाएगा 8.1 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.54। सॉल्व करने पे ये आएगा 12.474 क्यूबिक मीटर, यानी कि इस स्लेब को बनाने में हमें 12.474 क्यूबिक मीटर ड्राई कॉन्क्रीट लगेगा और उसमें जब पानी मिलाएंगे तो ये कॉन्क्रीट 8.1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पानी मिलाने के बाद में कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि एग्रीगेट्स के वॉइड्स फिल होते हैं। कोर्स एग्रीगेट्स के वॉइड्स में फाइन एग्रीगेट्स इंटर करेंगे, फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स में सीमेंट पेस्ट इंटर करेगा, इस तरह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है। M20 का मतलब होता है 1:1.5:3, यानी कि इसमें सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट का रेशियो है 1:1.5:3। ठीक है, इसका मतलब है इस कंक्रीट में सीमेंट का एक पार्ट है तो सेंड का 1.5 पार्ट है और एग्रीगेट का 3 पार्ट है। ठीक है, और टोटल पार्ट है 1+1.5+3 यानी कि 5.5। मतलब टोटल 5.5 पार्ट में एक पार्ट सीमेंट का है, 1.5 पार्ट सेंड का है और 3 पार्ट एग्रीगेट का है। ठीक है, अब देखिए सीमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सीमेंट का पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीमेंट का एक पार्ट है और टोटल 5.5 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1/5.5 × ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि 12.474। ठीक है, सोल्व करने पे ये आएगा 2.268 क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको 2.268 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगेगी इस स्लेब को बनाने में। ठीक है, अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग सीमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी सीमेंट आई है 2.268 क्यूबिक मीटर, इसको अगर मैं बैग में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 28.8। ठीक है, तो ये सोल्व करने पर आएगा 65.318 बैग्स, यानी कि स्लेब में टोटल 65.318 बैग सीमेंट लगेगी। अब देखिए, अभी ने आपको बताया कि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग सीमेंट होती है। ठीक है, ये कैसे आता है? तो देखिए, सीमेंट की एवरेज डेंसिटी होती है 1440 kg/m³। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 1440 kg सीमेंट आती है। ठीक है, एक बैग होता है 50 किलो का। ठीक है, तो 1440 kg को अगर मैं बैग में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 1440/50। सॉल्व करने पे आएगा 28.8 बैग्स। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में 28.8 बैग सीमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए सेंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सेंड का पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट।
ठीक है, सेंट का पार्ट है 1.5 डिवाइड बाय टोटल पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम यानी कि 12.474 क्यूबिक मीटर। सोल्व करने पे सेंट की क्वांटिटी आएगी 3.402 क्यूबिक मीटर। ठीक है, सिमिलरली आप एग्रीगेट की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। एग्रीगेट का पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। एग्रीगेट का पार्ट है 3, टोटल पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम यानी कि 12.474 क्यूबिक मीटर। सोल्व करने पे ये आएगा एग्रीगेट की क्वांटिटी 6.804 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।